हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना, बेसिकली कराऊंगा अपना होम टूर। एंड वीडियो में बने रहना, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कहाँ रह रहा हूँ एग्जैक्टली, क्या क्या अमेनिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे, क्या क्या अवेलेबल है, मतलब बेसिकली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, कैसा घर है, एवरीथिंग आई विल शो यू। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा जो भी इसका डिपॉजिट प्राइस एंड एवरीथिंग है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा जो कि नए मूव करने वाले हैं हिंजेवाड़ी में या फिर पुणे में, या फिर ऑलरेडी मूव कर रहे हैं और एक बेटर अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम द लॉबी इटसेल्फ। आप देख सकते हो दो लिफ्ट्स हैं जो कि कॉमन एरिया प्रॉपर्टी है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं एंड दिस इज द अपार्टमेंट। तो ये एक एक्स्ट्रा डोर लगाया है जो कि है हमारे ओनर है उन्होंने, और आप देख सकते हो बाकी जगह में नहीं है और ये मेन डोर है बेसिकली। तो इसको बंद करते हैं। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द होम टूर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये 2.5 BHK का अपार्टमेंट है। सोसाइटी का नाम है मेगापोलिस स्प्लेंडर। मेगापोलिस एक बेसिकली आप कह सकते हो टाउनशिप बन चुका है जो कि काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे मेगापोलिस के, जिनमें से एक है स्प्लेंडर। दिस इज द सेकेंड अपार्टमेंट आई थिंक फ्रॉम देम, एंड ये साइज में बड़ा होता है बाकी नए मेगापोलिस के प्रोजेक्ट के कंपेरिजन में, जैसे आप अगर स्प्रिंग या सैफरन ऐसी जगह शिफ्ट करने वाले हो तो। उसके अलावा वी आर रेंटिंग इट, वी आर बिकॉज मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे अलावा और भी 3 लोग हैं तो हम लोग मिलकर रेंट कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन में ये है कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस आल्सो, मैं आगे आफ्टर द होम टूर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कितना प्राइस आजकल चल रहा है एंड एवरीथिंग। तो या दिस इज़ अ फर्निश्ड फ्लैट एंड लेट्स गो। देखो तो एंट्री करते ही साथ यहाँ पे स्विच बोर्ड है, ये सोफा है ना। और अच्छा, जो कुछ भी मैं खुद से लाया हूँ ना इस घर पे आई विल टेल यू, और जो कुछ भी ओनर का दिया हुआ वो तो है ही, अगर कुछ मेरा खुद का कुछ होगा तो आई विल एक्सप्लेन कि वो मेरा है। तो ये पूरा टीवी यूनिट है काफ़ी अच्छे से, वहाँ पर शू रैक्स एंड ऑल है, ये टीवी है एंड देन ये एक बास्केटबॉल मेरा, बाकी सारा कुछ ओनर का ही है। एंड दिस यू नो हिम, दिस इज माइन, से हाय टू हिम। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो ये आयरन स्टैंड है, सबसे पहले तो ये पूरा हॉल है, आप देख लो हॉल का साइज। तो दिस वन इज द आयरन स्टैंड एंड दिस इज द डाइनिंग टेबल जो कि अगेन ओनर का दिया हुआ है, वो कूलर मेरा है। तो ये कर्टन वगैरह भी ओनर के ही दिए हुए हैं। एंड दिस इज़ अ ह्यूज बालकनी, ये अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे है, हालांकि मैं डिटेल में आराम से बताऊंगा आपको। अगेन यहाँ पे ड्राइंग एक्सटेंशन है जो कि ओनर ने दिया है, ये झूला दिया है जो कि अनफॉर्चुनेटली टूटा हुआ है फिलहाल। तो ये प्लांट्स वगैरह रूममेट के हैं एंड अगेन ये सब भी ओनर का, यू कैन सी। और हाँ, ये टर्फ भी उन्होंने करके दिया है, दैट्स नाइस। आई थिंक हमने होम हॉल का टूर कर लिया, राइट। हाँ, ये मंदिर भी उनका ही दिया हुआ जो ओनर है। ये डिजिटल मतलब लॉक है, डोरबेल है, लॉक है, जो भी बोलो, मतलब एनीबडी विल रैंग द बेल तो वो दिखेंगे लिटरली यहाँ पे, सो डैट्स अ नाइस थिंग, यू कैन सी। ओके एंड कमिंग हेयर, दिस इज द किचन यार, आई लव दिस थिंग, दिस पार्ट ऑफ माई हाउस, मैसिव ब्यूटिफुल किचन। एंड यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर है, देयर इज माइक्रोवेव एंड कंप्लीट स्टोरेज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारा के सारा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। एंड आप टॉप शेल्फ भी देख सकते हो, दिस इज चिमनी, ये चूल्हा है हमारा एंड ये कुछ चीज़ें बाहर हैं, ये यूटेंसिल को धो के सुखाने के लिए। एंड तो ये है हमारा वॉशिंग मशीन एंड यहाँ पे डिटर्जेंट एंड ऑल ये चीज़ें रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया किचन एंड वो था हमारा वॉशिंग एरिया, आप देख सकते हो ठीक ठाक जगह है यार, लाइक आप कपड़े निकाल के भी हल्का फुल्का धो सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो मशीन की क्लीनिंग से। तो रूम में मैं सारे रूम में नहीं जाऊंगा क्योंकि देखो हम लोग अपार्टमेंट में सारे अलग अलग रूम अलग अलग लोगों को बिलोंग करते हैं, ये एक भैया का है तो इनका गेट खुला हुआ तो देख लो, ये छोटा वाला रूम है 0.5। दिस फ्लैट इज़ बेसिकली, मुझे ना डिटेल शायद पहले बताने चाहिए थे, हालांकि मैं वो वीडियो में मैं आगे पीछे कर दूंगा। और ये 0.5 अपार्टमेंट है जो कि मेरे अपार्टमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा। दिस इज अनदर रूम, नॉन मास्टर बेडरूम एंड दिस वन इज द बाथरूम। तो 2.5 BHK में ना आपको 2 टॉयलेट्स मिलते हैं, 3 नहीं मिलते हैं, तो बेसिकली इनके लिए और इनके लिए एक बाथरूम हो गया। और साथ ही साथ ये बाहर में भी वॉश बेसिन है, एक अंदर भी था और एक बाहर भी है, तो डैट्स ए नाइस थिंग यार, क्योंकि ब्रश वगैरह एटलीस्ट बाहर लोग कर सकते हैं। कमिंग टू मास्टर बेडरूम, दिस इज द रूम आई लिव इन। यहाँ पे आओगे तो यू विल सी कि ये एंट्रेंस है पूरा, ये मैंने लगाया
एंड ये भी ओनर का एरिया हुआ, दिस देयर इज वन एसी एंड अगर मैं लाइट्स ऑन करूं तो यू विल सी दिस इज द किंग साइड बेड एंड देन वो टेबल ओनर का नहीं है, देन ये मिरर ओनर का है, सारी चीज़ें ओनर की हैं। दिस इज द शेल्फ, बेसिकली वार्डरोब, काफ़ी बड़ा सा इसमें कपड़े हैं सारे, यू कैन सी। और ये साइड टेबल है, एक साइड टेबल उधर भी है। एंड कमिंग टू मास्टर बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट, देख लो गीजर। तो आई थिंक होम टूर तो हो गया, अब थोड़े डिटेल्स का। सो हाय अगेन, एंड आई थिंक होम टूर हो चुका है एंड आई होप यू लाइक माय अपार्टमेंट एंड द क्लीनलीनेस ऑफ द अपार्टमेंट एवरीथिंग। सो या दिस इज इट यार, एंड मैं कुछ कुछ डिटेल्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले रेंट के अलावा आपको क्या क्या पे करना पड़ता है अगर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो। तो मेंटेनेंस एक चार्ज होता है जो कि यहाँ पर रेंट के साथ ही इंक्लूडेड है, पर कई ओनर्स मेंटेनेंस अलग लेते हैं या फिर रेंट वो ले लेते हैं और मेंटेनेंस बोलते हैं आप अलग से पे कर दो सोसाइटी को। तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस, ठीक है। दूसरा चीज़, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आप ही पे करते हो। मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर पे कर रहे हैं और रेंट में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल वैरी करेगा ना अकॉर्डिंग टू योर यूज़। उसके बाद गैस बिल, ऑब्वियसली आपको अगेन वो भरना है। तो ये तीन बिल्स हैं जो आपको पर मंथ खुद से भरना होगा। उसके अलावा आप क्या नीड है, जैसे मेड रख रहे हो, कुक रख रहे हो, तो अगेन वो सब खर्चे अलग है, ये तो ऑब्वियस है आई थिंक। उसके अलावा सोसाइटी में ना कई सारे अमेनिटीज़ होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, इस सोसाइटी में जैसे है स्विमिंग पूल है एंड जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और समझो, सोसाइटी भी दो तरीके के होते हैं, जैसे ये अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, कुछ इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर आपको ये जिम वगैरह का फैसिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलेंगे, पर इस जगह पे मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सारे चीज़ें हैं अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए रेंट भी ज़्यादा है एंड थोड़ा सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों को यूज़ करना, लाइक स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का फ़ी होता है, अलग से लगता है, ये अभी जान लो, ठीक है। हालांकि इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी, पर यहाँ पे 1000 रुपये लग रहा है। मुझे पता आप लोग रेंट के लिए वेट कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का फ़िलहाल रेंट है 33,000, ठीक है, बट यहाँ पे ब्रोकरेज इंक्लूडेड था और उसके अलावा इसका डिपॉजिट है 90,000। अब एक चीज़ समझो, ब्रोकरेज देना गलत नहीं है। ब्रोकरेज अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक यू आर गेटिंग फैसिलिटी आउट ऑफ इट, लाइक इस जो रेंट आपको मिल रहा है या फिर जो अपार्टमेंट मिल रहा है, अगर आपके यूज़ केस और नीड के हिसाब से आपके यूज़ के हिसाब से मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ब्रोकरेज अपार्टमेंट ऑल्सो। अदरवाइज आप खुद से भी ढूंढोगे तो आप ढूंढ सकते हो, ऐसा कोई बड़ा डील नहीं है। बट जनरली अगर आपको इस टाइप का फर्निश्ड फ्लैट चाहिए, दैट्स द रियलिटी, एंड यू आर लाइक मेल बैचलर्स, तो बहुत डिफिकल्ट है कि एनी ओनर विल गिव यू देयर अपार्टमेंट विदाउट ब्रोकरेज बींग इंक्लूडेड, बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर देम कि आप बहुत अच्छे से रखोगे, जैसे आप हमारा अपार्टमेंट देखो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हम लोग उस तरीके से मेंटेन करते हैं। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर, क्योंकि कोई भी इतना महंगा घर आपको दे रहा है तो वो तो इतना एक्सपेक्ट करेगा ना यार कि आप उसको साफ रखो और चीज़ों को तोड़ो फोड़ो नहीं। घर से मुझे एक चीज़ याद आया, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इस घर को खरीदना है तो क्या मतलब प्राइस है। तो 2.5 BHK इस पर्टिकुलर सोसाइटी में समवाट अराउंड 85 लाख के आसपास चल रहा है, जो मतलब मैं न्यू फ्लैट की बात नहीं करता हूँ, अगर आप इस फ्लैट को या मतलब इस फ्लैट को नहीं पर्टिकुलरली, मेरा ओनर का आई डोंट थिंक ऐसा कोई इरादा है, मतलब किसी भी 2.5 BHK सामान हटा के 85-80 ऐसा कुछ चल रहा है। 2 BHK इज समवाट अराउंड 70 एंड 3 BHK समवाट अराउंड 95 इस सोसाइटी में। अब मेगापोलिस सनवे का हो सकता है 2-4 लाख अलग हो जाए, सांगरे इज लिटिल एक्सपेंसिव, वो भी मेगापोलिस का अपार्टमेंट है। तो दिस इज समथिंग अगर आप इसको खरीदना चाहते हो। अगर आपको उसके अलावा रेंट का ऑप्शन जानना, कितने रेंट चल रहे, क्या चल रहे, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है यहाँ के फ्लैट के क्या रेंट है, नॉट जस्ट रेंट ऑल्सो कि रेंट के अलावा आप जो खर्चे करते हो तो एग्जैक्टली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है पुणे का होगा, वो मैंने बताया। तो आप वो भी कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या खर्चा होने वाला आपका, रियलिस्टिक बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हवा की बातें कि यार नहीं मैं तो 15,000 में ही रह लूँगा या तो मैं 20,000 में ही रह लूँगा, रेंट तो 10,000 ही लग रहा है ना। पर रेंट के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपका अपना लाइफस्टाइल किस तरीका का है आपको वो रियलाइज़ करना होगा, उस हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना खर्चा करने वाले हो। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ,
फर्निश्ड फ्लैट का जो रेंट है, अगर 2 BHK आप ले रहे हो जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं 2 BHK के लिए सिर्फ बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए। 2 BHK चल रहा है फर्निश्ड फ्लैट 26-27 से स्टार्ट होता है बहुत लकी हो तो, और 34-35 तक जाता है मेगापोलिस वाले एरिया में। ये है 2 BHK का रेंट। जैसे बहुत हाई क्लास फर्निशिंग है 34 के तरफ चला गया, और काफ़ी बेसिक सा फर्निशिंग है 26 पे आ गया। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट 23,000 से 27,000 तक फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट 22,000 से लेकर के 25 तक करता है। पर्सनल सजेशन, गो फॉर अनफर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड ज़्यादातर केस में ओनर का फ़ायदा होता है, टेनेंट्स का लॉस होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो देते हैं जो जिससे आप सेटिस्फाइड भी नहीं रहोगे और आपको मज़ा नहीं आएगा, तो बाकी आपकी नीड के ऊपर है यार। उसके अलावा फिर से अच्छे घर में जा रहे हो, जैसे कि अच्छा घर में जाना सब कुछ नहीं होता। हम लोग जब इसमें शिफ्ट कर रहे थे ना, आई रिमेम्बर, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा करके रखा था हमारे से जो पहले वाले टेनेंट्स हैं। तो होता क्या है ना कि आप आपके पास इतने सारे सामान हैं, तो ये एक टाइप का लाइक द ग्रेट ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इतने सामान हैं ना, तो इतने सामान को साफ भी करना है, उसको मेनटेन भी करना है। तो गो फॉर फर्निश्ड फ्लैट इफ़ यू आर रेडी फॉर इट। अगर आप कभी इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रहे हो, तो इट्स वेरी लाइकली दैट आप इसको नहीं मेंटेन कर पाओगे, आपका ओनर भी आपको गाली देगा और आप खुद फेड अप से हो जाओगे। चलो गाइस, तो लास्टली मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो हमारा सोसाइटी है ना प्यारा, तो ये व्यू मिलता है आपको बालकनी से। ये 3rd फ्लोर है, आई थिंक आप और ऊपर जाओगे, मतलब और ऊपर एज इन और ऊपर के फ्लोर पर जाओगे तो आपको और सुंदर व्यू मिलेगा। देखो बच्चे खेल रहे हैं, आईफोन में भी जूम है यार, ऐसा नहीं है, स्टॉकर बोलेंगे लोग। हाँ, तो ये पार्किंग वार्किंग के स्पेस है, आपको हर अपार्टमेंट में इतना पार्किंग का स्पेस मिलता है कि आप एक कार और एक बाइक आराम से पार्क कर लो। सो यार, लाइफ इज़ गुड, अच्छा खासा जगह आप रह सकते हो। अगर आप हिंजवाड़ी फेज 3 में आ रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि हिंजवाड़ी पुणे से दूर है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा रहने में। इट्स ए गुड प्लेस। एंड चलो गाइस, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने सवाल पूछो जो मैं मिस कर गया होऊंगा। और उसके अलावा ये 2 वीडियोज़ है, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पुणे जानना चाह रहे हो फ्लैट के स्पेसिफिक पे, या फिर इन जनरल भी आपको PG या फिर फ्लैट प्लस PG के बारे में भी जानकारी जानना है, तो वीडियो है उसके लिए। एंड उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं ट्राई करूँगा कि एक इंडिपेंडेंटली कैसे जीते हैं, लाइक इट्स बेसिकली लाइफ स्टाइल चैनल, फिटनेस एंड फैशन चैनल, तो काफ़ी सिंपल सोबर और काफ़ी प्यारे प्यारे कंटेंट्स रहेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सी यू इन अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।